स्वागत है जमुना के तीरे तीरे लेखक विद्या निवास मिश्र का ललित निबंध आज हम समझेंगे। व्याख्या शुरू करते हैं। जमुना के तीरे तीरे चलता आ रहा हूँ, जल के रंग से खींच कर मन तैरने को करता है, पर जमुना नदी की गहराई के अनुमान से हिम्मत नहीं होती कि तैरूं। और इसी तरह जमुना नदी के किनारे किनारे चलता रहता हूँ, तीरे तीरे अर्थात किनारे किनारे। लेखक अपने विषय में कहते हैं कि मैंने जीवन में हमेशा अति सुरक्षित रास्ते चुने और इसीलिए जीवन की नाव को कभी रुकना भी पड़ा तो बहुत ही सुरक्षित घाट पर रोका या विश्वसनीय डोंगी में बैठता और घूम फिर कर वापस अपने स्थान पर पहुंच जाता। अपने स्थान से दूसरे स्थान जाने का अनुभव भी बताते हैं कि बबूल मतलब कांटे वाले पेड़ों की छांव मिलती, करील अर्थात यह भी सिर्फ कटीला पेड़ है, उसके बाग अर्थात बाग बगीचे भी कांटों के ही मिलते, घास फूस रेत ही रेत, चिलचिलाती धूप या फिर कड़ाके की सर्दी या ठंड मिलती। उधर अर्थात अपने स्थान को छोड़कर जाना कोई आसान कार्य नहीं है, सब कुछ बहुत कष्टदायक होता है। कांटों वाले पेड़ बबूल में खुशबू है लेकिन वह गंध अपनी नहीं लगती। हाँ, ठंडक और शांति जरूर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि कष्ट में अगर कांटों से भी सहायता मिले तो अच्छा लगता है, जैसे बबूल के वृक्ष से छाया मिलती है, पलाश के सुंदर दहकते फूलों के रंग में लाली होती है जो अग्नि को और बढ़ा देता है, घास की हरियाली भी होती है, करीत के कुंज में बहने वाली सरस्वती की बहने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ गेहूं की बाली मटर के फूलों के नाक में पहनने वाली लौंग नहीं मिलती। कचनार का प्यार तो वंशी वट वृक्ष जिसके नीचे कृष्ण वंशी बजाते थे, उसकी ठंडी छाया दूसरे किनारे पर नहीं मिलती, क्योंकि मन तो यमुना नदी के किनारे बसता है, इसीलिए दूसरे स्थान का आनंद मनुष्य को खुश नहीं कर पाता और वह लौट कर वापस आ जाते हैं। वे कहते हैं कि मुझे अच्छी याद आई, दोआब, दोआब अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि की याद आती है जो बहुत उपजाऊ होती है, छाती फाड़ कर उपज होती है वहाँ, और कई सारे रूपक याद आ जाते हैं अपनी पावन भूमि पर। करम कथा रविनंदिनी वर्णी विधि निषेध में कलिमय हरनी, विधि निषेध अर्थात यह करो वह ना करो, आदेश और मनाही रूपी कर्मों की कथा है। कलिमय अर्थात कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी हैं, इन्हें छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ। अर्थात लेखक कहते हैं कि अपने सत्कर्म मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, कलियुग के पाप नष्ट होते जाएंगे। अर्थात सत्कर्मों का, अच्छे कार्यों का, सही रास्ते का चुनाव करने का महत्व बता रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि कवि किस प्रकार सत्कर्मों, सत्मार्ग और एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति, मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति के जीवन की उपलब्धि क्या होती है, सफलता क्या होती है, इसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से लेखक ने की। बना रहेगा, लेखक ने इस निबंध में ग्रामीण चेतना और उसकी संस्कृति के साथ साथ अपनी योग्यता से अधिक कर गुजरने के कष्ट चुनौतियां बताई है, इसलिए वे कहते हैं कि मैं तो धीरे धीरे यमुना के तीरे तीरे चलता रहा। वे कहते हैं कि बचपन में मैं चाहता था कि बड़ा होकर जज बनूंगा। हाँ, मैं वास्तव में जज तो नहीं बन पाया, लेकिन अपनी इच्छा भावों का सही सही न्याय करता हूँ और अच्छी तरह समझ गया हूँ कि कर्म पथ में मनुष्य को उसका ज्ञान ही धोखा देता है। अपनी और गांव के लोगों के स्वभाव की सरलता की तुलना बुद्धिवाद से करते हैं। बुद्धिवाद के युग ने लोगों को मूर्ख बना दिया, क्योंकि इस युग में लोग अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। क्या हासिल करना है, कहाँ पहुंचना है, इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, अपनों को छोड़कर कुचलकर बस सबसे आगे रहने की होड़ लगी है। और जो व्यक्ति समझदार है, सच्चा है, सरल है,
सही रास्ते पर चलने वाला, संभल संभल कर चलने वाला है, उसे धकिया कर पीछे कर दिया जाता है। यहाँ छात्रों, आपको समझने के लिए मैं बिग बॉस का उदाहरण दूंगी कि यह भी बुद्धिवाद का एक नमूना है। धन कमाना है, अपने को धूर्त दुष्ट साबित करके अपने मूल्यों को खोकर धनवान बनना है। अर्थात यह धन किस कीमत पर प्राप्त कर रहे हो, बुद्धिवाद ने यह बात सोचने समझने की योग्यता को नष्ट कर दिया है। आगे हम देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि मैंने भी अनुभव किया है कि अपनी कर्मस्थली में बहुत बच बचा कर अपनी नाव निकालता था तो पीछे रह जाता था और दूसरे इस नाव को धकेलते छकाते आगे निकलते समय यह भी नहीं सोचते कि वह नाव डूब जाएगी तो क्या होगा। और समय ऐसा आ गया कि ऐसे ही हृदयहीन विवेकहीन अमानवीय मानवहीन विजेता का पद प्राप्त कर रहे हैं। बुद्धिमानवादी युग के बुद्धिमान लोग इसी को योग्यतम स्वस्थतम ऑफ सर्वाइवल कहते हैं, अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसका अर्थ है कि जीवित रहने और प्रजनन करने में अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी तरह बना है या डिजाइन किया गया है, अर्थात अपने को जीवित रखने के लिए कुछ भी करना जायज है। यह तो डार्विन का सिद्धांत है, कोई मजाक है? यहाँ लेखक ने डार्विन के माध्यम से यूरोपियन देश के सिद्धांतों पर व्यंग करते हुए कहा है कि इसे थोपा गया और भारतीयों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि वे जो कहते हैं सच ही कहते हैं। बुद्धि को ही सीधे सीधे कायापन कहा गया है। कायापन व्यक्ति का वह गुण या दुर्गुण है जो धूर्त की श्रेणी में आता है और इसी धूर्तता के बल पर व्यक्ति सफलता के शिखर पर बैठे हैं। धूर्तता के बल पर ही कितने ही बड़े बड़े और शक्तिशाली व्यक्तियों को भी परास्त कर चुके हैं। सीधी सरल और सच्ची जातियां इस धरती से बुद्धिवादी युग में समाप्त हो गई। केवल धूर्तों का ही बोलबाला रह गया है। अब प्रश्न उठता है कि धूर्तता को ज्ञान की श्रेणी में रखें या नहीं, क्योंकि यह मानवीयता का गुण नहीं है। और अगर धूर्तता ज्ञान है तो क्या केवल आगे बढ़ना ही सफलता है? नहीं, सफलता वह है कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने में न किसी को हानि हो और न ही कोई पीछे छूटे। बुद्धिवादी युग ने ज्ञान दिया, विवेक छीन लिया आया। इसलिए मैं तो इस कष्ट को भी यमुना जी का प्रसाद मानता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अर्थात जीवन के हर कष्ट हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, बस अपने लक्ष्य पर अड़े रहने की आवश्यकता है। लक्ष्य पर अड़ने के लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। अंत में वे कहते हैं कि मेरी तो यमुना जी की धार ही अच्छी है, भले ही उसके दोनों ओर करील के कांटे हो, रास्ता लहरदार ना हो, पानी काला हो, लेकिन मैं तो उसे ही प्यार करता हूँ। तो इस प्रकार हम अंत में इसकी विशेषता भी देखते हैं। सर्वप्रथम इस निबंध में ग्रामीण अंचल की विशेषता और संस्कृति तथा ग्रामीण चेतना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है तथा बुद्धिवाद की ओर ध्यान देने के लिए भी सचेत किया है कि हम बुद्धि का प्रयोग केवल धन कमाने के लिए नहीं प्रयोग करना है, बल्कि मानवता के गुण को सदैव जीवित रखकर बुद्धि और विवेक दोनों के उपयोग से अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर पहुंचना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में ना तो किसी को हानि होना चाहिए और ना ही कोई पीछे छूटना चाहिए। सो इस प्रकार इस निबंध की विशेषता भी पूरी होती है।